बॉलीवुड के स्टार्स अपनी फिल्में और पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा से ही स्पाई आई में रहते हैं, लेकिन स्टार किड्स भी कैमरे की नज़र हमेशा बनी रहती है। स्टार किड्स अपनी लग्जूरियस लाइफ को लेकर जितने चर्चा में बने रहते हैं, उनसे ज्यादा कच्ची उम्र में लवेरिया यानी अपनी अफेयर की खबरों से लैमलाइट में बने हुए हैं। चलिए आइए आपको भी बताते हैं स्टार किड्स के बारे में, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही प्यार जैसा रोग लगा लिया। डालिए इस लिस्ट पर नजर। नंबर 1। इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं बॉलीवुड के किंग खान बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ, क्योंकि शाहरुख और गौरी के लाडले बेटे आर्यन आए दिन अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ दोस्ती के चलते लोगों की नजरों में बने रहते हैं। अभी हाल ही में आर्यन की एक फोटो काफी वायरल हुई थी, जिसमें वो एक मिस्ट्री गर्ल के साथ काफी कोजी पोस्चर में नजर आ रहे हैं। इस फोटो के आने के बाद अफवाहों के बाजार गर्म होने के साथ साथ सबके होठों पर एक ही सवाल कि आखिर ये खूबसूरत बाला है कौन, क्या ये आर्यन की गर्लफ्रेंड है। बहरहाल इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। नंबर 2। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान की लाडली बेटी ईरा खान की बात करें तो वो पहले से ही अपने रिलेशनशिप को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। ईरा ने हाल ही में एक पोस्ट के जरिए ये अग्री किया था कि वो मिशाल कृपलानी को डेट कर रही हैं। छोटी सी उम्र में ही लग गया रोग, क्या कहेंगे लोग। इन बातों को दरकिनार करते हुए खुल्लम खुल्ला अपने प्यार का इजहार ईरा ने कर ही दिया। नंबर 3। लेट लेजेंडरी एक्ट्रेस श्रीदेवी और बोनी कपूर की बड़ी बेटी जानवी भी किसी से पीछे नहीं। करण जौहर की फिल्म धड़क में ईशान खट्टर के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली जानवी ने पहली फिल्म के साथ ही ईशान के साथ अपने अफेयर को लेकर चर्चा में है, क्योंकि अक्सर दोनों को साथ में देखा जाता है। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि चुलबुली श्रीदेवी की खूबसूरत बेटी ईशान के साथ रिश्ते में है। हालांकि जानवी के पिता और जाने माने डायरेक्टर बोनी कपूर ने इन सभी बातों पर चुप्पी को तोड़ते हुए एक बयान जरूर दिया है। sportboy.com की खबर के मुताबिक बोनी ने कहा है कि हाँ, जानवी और ईशान ने एक साथ फिल्में की हैं, दोनों पहले से ही अच्छे दोस्त हैं, मैं उन दोनों की दोस्ती की इज्जत करता हूँ और ये सब खबरें महज एक अफवाह भर है। अब बोनी के इस बयान के बाद लोगों के मुंह बंद होंगे या नहीं, ये तो आगे ही पता चलेगा। नंबर 4। बॉलीवुड में अपने मस्खरे और संजीदा दोनों तरह के रोल्स के लिए जाने जाते जावेद जाफरी के किड की बात करें तो जावेद के बेटे मिजान की अपनी पहली फिल्म मलाल के रिलीज के दौरान एक चैट शो का हिस्सा बने थे, जिसमें मिजान को 3 ऑप्शंस दिए गए थे, जिसका जवाब देते हुए मिजान ने अमिताभ बच्चन की हॉट नाती नव्या नवेली को चुना था, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि मिजान और नव्या के बीच कुछ तो है, जिस पर फाइनली मिजान ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मैं क्यों एक्सेप्ट करूं जब कोई रिलेशनशिप में हूं ही नहीं, मैं और नव्या अच्छे दोस्त हैं और ये रिलेशनशिप कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला टाइप का नहीं। अगर हम साथ मूवी जाते हैं या घूमते हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। मिजान का ये रिएक्शन देखकर तो वाकई लगता है कि ये सब महज एक अफवाह ही होगी। नंबर 5। फिल्म इंडस्ट्री के अन्ना यानी सुनील शेट्टी के सपूत आहान फिल्मों में डेब्यू करने से पहले चर्चा में बने हुए हैं और इसका रीजन है उनका अफेयर। जी हां, अन्ना के बेटे आहान इन दिनों तानिया श्रॉफ को डेट कर रहे हैं, जो एक बिजनेसमैन की बेटी है। इन स्टार किड्स की छोटी सी लव लाइफ को देखकर बस यही वाक्या याद आता है कि दिल है कि मानता नहीं और एज फैक्टर जानता नहीं।